एज अ कॉफी कंज्यूमर ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है वेदर यू आर ड्रिंकिंग अ ग्रेट कप ऑफ कॉफी और दैट इज जस्ट हॉट वाटर। इन माई प्रीवियस वीडियो आई गोट अ कमेंट इन विच अ पर्सन आस्क मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अरेबिका एंड रोबस्ता। अगर आप भी कॉफी कंज्यूमर हो तो आपने भी ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा अरेबिका और रोबस्ता। अरेबिका एंड रोबस्ता आर टू प्राइमरी स्पीसीज एंड दे आर ग्रेटली different from each other. Number one difference, Arabica grow well in high altitude, that is from 3000 to 6000 feet, and Robusta usually grow in lower altitude. आपने एक और चीज नोटिस करा होगा, मेनली जो अपस्केल ब्रांड्स होते हैं वो उनकी जो कॉफी वो है काफी एक्सपेंसिव होती है क्योंकि वो जो है अरेबिका बीन्स यूज करते हैं क्योंकि अरेबिका बीन जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टारबक्स वो क्लेम करते हैं कि वो टॉप 3% अरेबिका कॉफी बीन जो है वो यूज करते हैं, दैट इज वन ऑफ द रीजन कि उनकी कॉफी एक्सपेंसिव होती है। एंड जो रोबस्ता कॉफी होती है वो लोअर प्राइस पॉइंट में आती है। अगर हम कैफीन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1% कैफीन होती है बाय वेट अरेबिका में एंड 2% कैफीन होती है बाय वेट रोबस्ता में। और अरेबिका में जो है हमें मोर रिफाइंड फ्लेवर एलिगेंट बॉडी एंड एसिडिटी के साथ आती है, रोबस्ता रहती है उसमें लेस रिफाइंड फ्लेवर्स रहते हैं। एंड अगर आपको अपीयरेंस से चेक करना हो कि कौन सी कॉफी अरेबिका है कौन सी रोबस्ता है तो आप चेक कर सकते हैं, जो कॉफी बीन्स होते हैं अरेबिका वो जो है वो काफी स्मॉलर साइज में होते हैं एज कम्पेयर टू रोबस्ता। एंड जो रोबस्ता बीन्स होते हैं उनका साइज जो है वो लार्जर होते हैं एंड राउंडर शेप में रहता है। ये जो था स्मॉल कंपेरिजन था बिटवीन अरेबिका एंड रोबस्ता। आई होप आपको समझ आया होगा डिफरेंस इन दोनों के बीच में। एंड थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो।